बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूफ करना है ना, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट है। क्या दिया हुआ है, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर बराबर आ रही है तो बोल देंगे इक्वल है, और नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। तो सिंपल सा है, हमें यहां से ये लिख लेंगे कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ गया, और कोट क्या होता है हमारा बी अपॉन पी, मतलब बी कितना है 4 और पी कितना है 3, तो ट्रायंगल बना लेंगे यहां से, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया, नाम लिख देंगे ए, हाँ क्या दे रहा है, ए ए भी दे रहा है ना, तो ए यहां ले लो, चलो ए, और यहां पे बी और यहां सी, बी पे 90 ले लो, ठीक है, ए यहां पे थीटा ले लो, तो थीटा से लगता हुआ ये कितना हो जाएगा बेस, बेस कितना दिया हुआ है 4, और परपेंडिकुलर कितना है 3, ये 5 आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, यहां पे लिख देना इन ट्रायंगल, देखो मैं बार बार लिख रहा हूं तो तुम भी लिखना, इन ट्रायंगल एबीसी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 मतलब 25 एच स्क्वायर, तो यहां से एच कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, मतलब एच कितना आ गया प्लस 5 सेंटीमीटर आ गया, तो एच कितना आ गया प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हमसे देखो क्या कह रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 क्या होता है कोट का उल्टा, तो यहां से 10 कितना आ जाएगा, 10 ए इक्वल टू इसको पलट दो 3 अपॉन 4, और इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन 16, ये वैल्यू रखो अब यहां पे, तो क्या रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 10 स्क्वायर ए कितना है 1 माइनस 9 अपॉन 16 और अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन 16, तो यहां देखो 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन 16, और यहां पे क्या आएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, इस 16 से तो ऊपर कितना आ रहा है कट के 7 अपॉन 25 भी आ गया, यही वैल्यू इसकी भी आनी चाहिए, तो कोस स्क्वायर है, अब यहां से कोस से कितना आएगा, कोस ए इक्वल टू कितना आएगा, कोस ए क्या होता है हमारा बी अपॉन एच, और बी कितना है 4, और एच कितना है 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो 16 अपॉन 25, और साइन स्क्वायर ए ऐसे ही निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए कितना आएगा तो 3 अपॉन और मतलब 9 स्क्वायर 9 अपॉन 25, अब ये वैल्यू डायरेक्ट यहां पर रख देंगे, मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए कितना है 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, पता है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बेस ऊपर वाले न्यूमरेटर एच टी ऐड में हो तो ऐड सबट्रैक्ट में हो तो सबट्रैक्ट, 7 अपॉन 25, तो 16 माइनस 9 अपॉन 25 तो क्या आ रहा है 7 अपॉन 25, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है, तो ऐसे लिख देंगे यस बोथ आर इक्वल, देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लो अच्छे से, समझ में आया कि नहीं, आ गया समझ में,